अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद, उनसे क्या मतलब, उनसे वो एक आस्था है, हमने राम का कल्याण कर दिया इसलिए जनता हमको वोट दे दे। दो लोग 10 वोट भी इनको उस नाम पे तो नहीं मिलने वाला, वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था, बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने ये कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। भाई राम मंदिर और राम को आप क्यों कंट्रोवर्सी में ला रहे हैं? नहीं, वही उन्हीं को कह रहे हैं, हम आपके माध्यम से उनको कह रहे हैं, उनको क्यों कंट्रोवर्सी में लाना चाहते हैं? है राम के वजूद पर हिंदुस्तान को नाज, और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद, उनसे क्या मतलब, उनसे वो एक आस्था है, आपकी ज्यादा अच्छी आस्था होगी लेकिन उसको भंजाइए नहीं, आप उसको वोट में क्यों भंजाने ला रहे हैं? राम को आस्था है, उनकी आराधना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनका दर्शन कीजिए, उनसे अपने कल्याण के लिए प्रार्थना कीजिए। कि आप ये कहिएगा कि हमने राम का कल्याण कर दिया इसलिए जनता हमको वोट दे दे, हंस रहे हैं दो लोग, 10 वोट भी इनको उस नाम पे तो नहीं मिलने वाला, समझ रहे हैं? ये नाम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का मामला है, ये लोग मुर्गी खा गए, इनके पाप की गठरी इतनी बड़ी हो गई है कि वो भय है इनके मन में क्या होगा, इतना है कि वो लिस्ट बनाइए तो लिस्ट नहीं बन सकती, वो पाप इनको सोने नहीं दे रहा, वो पाप इनको चैन लेने नहीं दे रहा, तो ये माला जपें, ये समझते हैं कि अब तो गुजर गया चुनाव, अंतिम फेज है। अब मीडिया के भाई ये सवाल करते हैं तो अजीब लगता है, आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है, लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे, वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था, बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने ये कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए।